हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप ऑक्टोपस के बारे में तो जरूर जानते होंगे। ऑक्टोपस बहुत ही ज़हीन जानवर है जो कि समंदर में रहता है, लेकिन एक बहुत ही अनोखे वाकये में ऑक्टोपस ने एक शख्स पर हमला किया है। ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान मायरे अर्ज़ियात लॉन कार्लसन को 18 मार्च के रोज ये वाकया पेश आया। वो ऑस्ट्रेलिया के जियोग्राफिक बे के साहिल पर स्नॉर्कलिंग कर रहे थे कि उन्होंने पहले एक जानवर देखा जिस पर इन्हें स्टिंगरे का गुमान हुआ, जो पानी से छलांग लगाकर इनकी जानब बढ़ी। बाद में उन्होंने इसकी वीडियो बनाना शुरू की और वो इनकी जानब बढ़ी, लेकिन फौरन ही पानी में गायब हो गई। इस वाकये के बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गए और करीब ही केकड़ों के खोल के ढेर को देखने लगे। अचानक इन्हें अपने उल्टे बाजू पर एक सरसराहट महसूस हुई और साथ ही इनकी गर्दन और कमर पर कूड़े की तरह कोई चीज लगी। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई ऑक्टोपस है जिसके घर पर उन्होंने बेध्यानी से पाँव रख दिया होगा। तैरते दौरान इनकी आबी ऐनक धुंधला गई और शायद ऑक्टोपस से खारिज होने वाली स्याही से पूरा मंजिल धुंधला गया था। अब खौफजदा होकर उन्होंने साहिल का रुख किया। इस पूरे अमल में वो बहुत खौफजदा थे क्योंकि ऑक्टोपस खतरे की सूरत में पानी में से खारिज करती हैं। लेकिन इस वाकये में ऑक्टोपस ने इन पर हमला भी किया था। चंद मिनटों के बाद इनकी गर्दन और पीठ पर सुर्ख निशान नमाया थे। टॉम कार्लसन ने सारे अमल को बहुत तकलीफ दे करार दिया। इससे 20 मिनट कबल की वीडियो में भी ऑक्टोपस को गुस्से में देखा जा सकता है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में ऑक्टोपस को किसी पर हमला करते देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।